मुझे ना राजमा खाने का बहुत मन था और मुझे नहीं मालूम कि मैं उसके साथ क्या करूं। मुझे खाना भी था और उसके साथ साथ मुझे ना बहुत इजी तरीके से भी बनाना है, वो झट से बन जाए और मैं झट से खा लूं। तो बेसिकली ये राजमा और राइस साथ में दिख रहे हैं जो एक ही सीटी के अंदर इजीली बन सकते हैं। तो पहले यहाँ पे करना क्या है, कुकर के अंदर ऑयल डाल देंगे और उसी के साथ हम उसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा खड़े मसाले और उसी के साथ यहाँ पे डालेंगे रेड चिली जो ड्राई वाली होती है वो डालिए। फिर उसी के साथ जीरा, अनियन, अनियन को अच्छी तरह से भून लेंगे, हल्का सा उसका जो लेयर है वो गोल्डन कलर आने तक उसे भून लेंगे। और उसके बाद आप पहले भी नमक डाल सकते हो और उसके बाद भी, अगर चावल डालने के बाद भी अगर नमक ऐड करो वो कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पे अच्छी तरह से अनियन भून गए हैं, वो भूनने के बाद उसके अंदर डालेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। जिंजर गार्लिक का पेस्ट का पूरा अच्छी तरह से भून के उसका कच्चापन है ना वो उसका निकाल देंगे। और जैसे वो भून जाए उसके बाद हम उसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर। जैसे आप हम उसके अंदर टमाटर ऐड करें उसके अंदर मसाले डालेंगे जो हमारे नॉर्मल से घर पे मसाले होते हैं ना वही ऐड कर रहे हैं। धनिया पाउडर, चिली पाउडर, हल्दी पाउडर और गरम मसाला, ये सारी चीज़ें डाली और उसके साथ हल्का सा उसके अंदर हींग डाला है। ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पे भून लेना है। खाली आपके जो मसाले हैं ना वो पकने चाहिए, टमाटर पकाने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे आपके टमाटर और मसाले अच्छी तरह से भून जाए, टमाटर ज़्यादा नहीं पके होंगे तो चलेगा, आपके जो मसाले वो भून जाए उसके बाद हम उसके अंदर डालेंगे सोक करे हुए राइस। और यहाँ पे यूज़ करे हैं मैंने बॉईल करे हुए राजमा और उसी के साथ जितना राइस मैंने डाला था, एक कप राइस डाला था लेकिन उससे भी कम मैंने पानी डाला है क्योंकि टमाटर घलेंगे तो फिर वो थोड़ा सा पानी छूटेगा और राइस ऑलरेडी पानी सोक कर चुका है सो वही रीज़न की वजह से। फिर उसके ऊपर घी डाला, थोड़ा सा कसूरी मेथी डाला, उसी के साथ हम उसके अंदर डालेंगे धनिया और ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमें करना है कुकर को बंद और उसकी एक से दो सीटी लगानी है। मैंने सिर्फ एक ही सीटी लगाई है क्योंकि मैंने बहुत कम पानी डाला था और मुझे मालूम था कि एक सीटी में इजीली पक जाएगा। और उसके बाद हम उसे ओपन कर लेंगे और उसके बाद आप अपने मनपसंद अचार, सलाद या फिर रायता के साथ खा सकते हो, राजमा के साथ। बहुत सिंपल, बहुत ईजी। और ये वाली रेसिपी बनाने मुझे बहुत टाइम भी नहीं लगा, सिर्फ 10 से 15 मिनट। वो तो मैं वीडियो बना रही थी इसीलिए, अगर ऐसे बनाती तो 10 मिनट में वो प्रिपेयर हो जाती। एंड हाँ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।